गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में जो लोग दर्शन करने आते हैं उन्हें मंदिर के पुजारी और गाइड एक कहानी जरूर सुनाते हैं। कहानी रानी अहिल्याबाई की। अहिल्याबाई वो नाम है जो देश के कई बड़े मंदिरों से जुड़ा हुआ है और आज के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में जो मंदिर मौजूद है उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। काशी में विश्वनाथ मंदिर को रिनोवेट कराना कई मराठा राजाओं के लिए एक सपना था, लेकिन इस ड्रीम को हकीकत बनाया रानी अहिल्याबाई होलकर ने। आज हिंदुओं के जितने भी तीर्थ स्थल हैं हर जगह पर रानी अहिल्याबाई का कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुजरात के द्वारका तक में, नॉर्थ में केदारनाथ से लेकर साउथ में रामेश्वरम तक, अहिल्याबाई ने ना सिर्फ मंदिर बनवाए बल्कि उनकी मेंटेनेंस का भी पूरा ध्यान रखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पैसों से पूरे भारत के मंदिरों में गंगा जल भिजवाया। तो आज मैं इन्हीं अहिल्याबाई होलकर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन वो कहानी नहीं जो कि आपने कई बार सुनी होगी। आज मैं वो इतिहास बताने जा रहा हूँ जो आपको बताएगा कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से अहिल्याबाई ने देश के हर कोने में जो मंदिर थे उनके रिनोवेशन का काम अपने हाथ में लिया। तो आइए शुरू करते हैं। 1725 में जन्मी अहिल्या ने 1795 तक अपनी मृत्यु तक 28 सालों तक मालवा पर शासन किया। वो एक ऐसी महिला थी जो कि अपने पति की मौत पर सती होने जा रही थी, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और जब उन्हें राज चलाने को मिला तो वो ना केवल मालवा की एक छत्र शासक बन गई बल्कि उन्होंने कई ऐसे काम किए जो उस टाइम के बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा भी नहीं कर पाए। अहिल्याबाई बहुत बड़ी शिवभक्त थी। कहा जाता है कि उन्होंने सपना देखा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता वापस दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद वो काशी आई और मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके परिवार से मंदिर के लिए जगह मांगी, क्योंकि तब तक असली काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी थी। तो औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़ने के 111 साल बाद 1780 में अहिल्याबाई ने इस मस्जिद के बगल में इस नए मंदिर को बनवाया और वहां पर विश्वनाथ भगवान को विराजमान कराया। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक साउथ में इस मंदिर को बनवाया था। बचपन से ही रानी अहिल्याबाई काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें 8 साल की उम्र में पूजा और ध्यान करते देखा था और उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। जब वो बड़ी हुई तो मल्हार राव ने उनको अपनी बहू बना लिया। होलकर उस समय कोई बड़ा राजवंश नहीं हुआ करता था, वो पेशवा के नीचे हुआ करते थे। मल्हार राव खुद बाजीराव पेशवा के खास लोगों में से एक थे और उनके साथ उन्होंने कई युद्ध लड़े थे। ये मल्हार राव कितने जंगे लड़े आपके साथ, कितने घाव झेले सिर्फ आपके जीत के लिए। तुकोजी, उनका बेटा और अहिल्याबाई के पति खांडे राव भी उन्हीं की तरह था। वो 1754 में एक युद्ध में मारा गया जिसके बाद अहिल्याबाई सती होने की तैयारी कर रही थी। तभी उनके ससुर ने उनको ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि मल्हार राव को उनमें एक अच्छे सरदार के सारे गुण दिखते थे। शुरू के एक साल तक वो अपने बेटे के नाम पर राजकाज चलाती रही, लेकिन 1767 में उन्हें पेशवा की गद्दी संभालने की परमिशन मिल गई और यहीं से शुरू होती है उनके धर्म कर्म की कहानी। जाने माने इतिहासकार और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर ओ हेनलॉन कहते हैं कि विधवा और महिला शासक होने की वजह से लोगों पर अपना प्रभाव बनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था और धर्म और मंदिर के लिए जो काम किए जा रहे थे इससे उनको जो इज्जत मिली वही आगे चलकर उनकी सक्सेस में भी काम आया। हालांकि उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी और युद्ध भी जीते, लेकिन उन्हें जाना गया धार्मिक कामों और जन कल्याण के कामों के लिए। जब वो काशी विश्वनाथ के मंदिर को फिर से बनवा रही थी तो उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वो एकदम वैसा ही हो जैसा कि स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है। इस मंदिर में दो गर्भगृह बनाए गए, एक विश्वेश्वर के लिए और दूसरा दंडपाणि के लिए। इस मंदिर में महाकालेश्वर और नंदिकेश को स्थापित नहीं किया गया। औरंगजेब द्वारा तोड़े गए विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनाने का काम हर मराठा शासक करना चाहता था, लेकिन इसको करने में सफलता मिली रानी अहिल्याबाई को। इसके अलावा वो देश भर में तमाम मंदिरों की मदद करती रहती थी, वो मंदिर बनवाती रहती थी। नासिक, ओंकारेश्वर, महाबलेश्वर, इंदौर, गोकर्णा, उडुप्पी, यहाँ तक कि काठमांडू तक में इन्होंने मंदिर बनवाए। उन्होंने गंगोत्री से गंगा जल मंगा कर देश भर के मंदिरों को अपने खर्च पर भेजा। इनमें केरल और तमिलनाडु तक के मंदिर शामिल हैं। इसी तरह का एक और सबसे बड़ा काम था 11वीं सदी में महमूद गजनी द्वारा तोड़े गए प्रभास पाटन के सोमनाथ मंदिर को बनवाने का। कहा जाता है कि जब रानी अहिल्याबाई ने इस टूटे फूटे मंदिर की हालत देखी तो उनकी आंखें सफेद हो गई। इस मंदिर में कोई जाता तक नहीं था और पूरी तरह से यह ध्वस्त हो चुका था।
अहिल्याबाई ने लुटेरों से बचाने के लिए 1783 में इस मंदिर को जमीन के नीचे बनवाया और शिवलिंग को तहखाने में स्थापित कराया। बाद में आजादी के बाद सरदार पटेल ने नए सोमनाथ मंदिर की भव्य इमारत को बनवाया, जो कि आज का सोमनाथ मंदिर है। लेकिन अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया मंदिर अभी भी इस मंदिर से सिर्फ 200 मीटर दूर है और पुराने सोमनाथ मंदिर के नाम से मशहूर है। मंदिरों के अलावा उन्होंने सड़कें, पानी के टैंक और यात्रियों के लिए आरामगाहें भी बनवाई। अपने इन सारे कामों की वजह से अहिल्याबाई इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उस समय के तमाम राजा महाराजा जैसे टीपू सुल्तान और दक्कन के निजाम तक उनकी इज्जत करते थे। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग किस्सा है जो कि उनके धार्मिक व्यक्तित्व और उनके इम्पैक्ट को बतलाता है। कहा जाता है कि एक बार खुद पेशवा ने मालवा पर हमला कर दिया और कहा कि नर्मदा के पार का एरिया उनका है और अहिल्याबाई को वो एरिया पेशवा को सौंप देना चाहिए। बताते हैं कि अहिल्याबाई ने पेशवा को सिर्फ एक छोटा सा लेटर भिजवाया जिसमें कहा गया कि मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, मेरे पास 100 सैनिक और उनकी पत्नियाँ ही हैं और आप जानते हैं कि मराठा महिलाएँ काफ़ी बहादुर होती हैं, इसके अलावा हमारे साथ भगवान शिव भी हैं, ऐसे में अगर आप हार गए तो आपकी इज्जत नहीं रह जाएगी। इतना सुनने के बाद पेशवा वहाँ से बिना युद्ध किए वापस लौट गए। रानी अहिल्याबाई को जो भी टैक्स मिलता था या स्टेट की कमाई होती थी उसका बहुत बड़ा परसेंटेज वो मंदिर बनवाने में खर्च करती थी। इसी तरह से उन्होंने करीब 150 मंदिर बनवाए या फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, चाहे पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, द्वारका हो, केदारनाथ मंदिर हो या फिर तिरुवनंतपुरम का रामेश्वरम मंदिर हो। हर जगह पर रानी अहिल्याबाई ने मंदिर बनाने में अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर दिया था। यही नहीं, अहिल्याबाई ने देश भर में मराठा साम्राज्य को ताकतवर बनाने में भी काफ़ी मदद की। उन्होंने कई जगहों पर घाट, नहरें और सुरंगों का निर्माण कराया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इस वजह से देश भर में मराठों का नाम हुआ। आज हम सिर्फ अहिल्याबाई को इसलिए जानते हैं कि उन्होंने मंदिर बनवाए और हिंदुओं के लिए काम किए, लेकिन अहिल्याबाई ने एक बड़े लेवल पर बुनकरों के लिए भी काम किया था। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में शिफ्ट कर ली थी। यहाँ पर उन्होंने लोकल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जो पहले खस्ता हाल हो गया था, और इन लोकल लोगों के लिए इन्होंने नर्मदा परिक्रमा, तीर्थ यात्रा और पूजा आशीर्वाद जैसे दूसरे पवित्र कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी इनकरेज किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रानी अहिल्याबाई की। आपको इतिहास का ये पन्ना कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।